तीन दिवसीय देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण के लिए सेलिब्रिटीज देहरादून आए। गोलमाल, शूटआउट, एट वडाला और द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले तुषार ने 2016 में 6 वर्षीय लक्ष्य को गोद लिया था। डीएलएफ सत्र के दौरान अभिनेता ने एकल माता पिता होने के अपने डर पर चर्चा की और उनके परिवार ने उनका समर्थन कैसे किया। तुषार ने एकल माता पिता होने के बारे में कहा, यह किसी भी माता पिता के लिए उतना ही आसान या कठिन है। चाल माता पिता के लिए अच्छी है, यह एक चुनौती है लेकिन एक खुशी है। पितृत्व आपको सभी चुनौतियों से पार पाने की संतुष्टि देता है। अभिनेता ने पिता बनने के बारे में अपनी शंकाओं पर भी चर्चा की और उन्होंने अपने माता पिता जितेंद्र और शोभा कपूर को कैसे बताया, जिन्होंने पूरे दिल से उनके फैसले को स्वीकार किया। मैं बहुत चिंतित था और मैंने एकल माता पिता बनने के अपने निर्णय की योजना बनाई थी। अंत में मैंने अपने दिल का अनुसरण किया। तुषार ने आगे कहा, जब मैंने आईवीएफ प्रक्रिया पूरी की और सरोगेसी प्रक्रिया शुरू हुई तो मैंने अपने परिवार के साथ गहन चर्चा की। मेरी माँ हैरान थी लेकिन साथ देने वाली थी। उसने कहा कि वो और मेरे पिता केवल दादा दादी होंगे लेकिन मैं सब कुछ का प्रभारी रहूंगा और यह जीवन बदलने वाला होगा। कहने की तो बात है।